Вытяги сыч. Трэ патерса, где бы трапа? Грах на сатнус. Меня больше не мог накормить, но не заторфуя, короче. जी मेरा नाम गुलाम कादिल हूँ, मैं हुसैन से बिलीव कर रहा हूँ। तो हमारा हमसाया एक कल ये पंडित बरादरी का एक बंदा गुजर गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वही भाईचारा मिलता है जो आज से बहुत साल पहले हमारा भाईचारा था। हम वैसे हैं जैसे हम पहले थे, हम में कोई भेदभाव नहीं है, कोई फर्क नहीं है कि हमारे मुसलमान जब हम फजर नमाज सुबह पढ़ के मस्जिद से निकल गए, उसके बाद हमने ये मालूम हुआ कि इसके इंतकाल हुआ है, उसके बाद हमने खुद ऑटो का इंतजाम किया और एक ऑटो यहाँ से हमने भर के हमारे लड़कों ने वो हमने नीचे मर्दगाड़े में छोड़ दिया। उसके बाद हमने यहाँ घर वालों से कहा कि ये लकड़ी शायद कम है, क्योंकि हमने पहले भी देखे हैं कि लकड़ी बहुत लगती है। उसके बाद हमने यहाँ जो मुसलमान ठेकेदार है लकड़ी का, उसे हमने फोन किया कि हमें लकड़ी की जरूरत है, तो उन्होंने बिना पैसे के, बिना किसी बात के बताए हुए, किसी झिझक के बगैर उसने उठाया और 3 क्विंटल के करीब करीब उसने लकड़ी वहां मर्दगाड़ी में पहुंचाया है। हम यही कहना चाहते हैं कश्मीरी सबसे, या चाहे हम यहाँ जितने मजहब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम एक हैं और इंशाल्लाह हम हमेशा के लिए एक रहेंगे। जिंदगी में ये भेदभाव नहीं किया, हमारे हमसाये हैं, हम जान और दिल से इस वक्त भी तैयार हैं और हमें इनके लड़के का इंतजार था। अगर इनके लड़के का इंतजार न होता तो हमने आखिरी रसूमात इसके हमने खुद अदा किए होते, लेकिन वो जम्मू था, उसकी वजह से हम अभी तक रुक चुके हैं। वो अभी यहाँ पहुंचे हैं, इनका ये काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह आज जुमा है, जुमा के बाद हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनके साथ इनके वहां तक पहुंचना और इनके साथ हाथ बटाना, और इनके लिए जो भी जरूरत होगी इंशाल्लाह हम पूरी मदद के लिए तैयार हैं।